मैं सब कुछ बताऊंगी आपको कल। लेकिन आप दोनों की बातचीत हुई है, जी, जी, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? जो गिले शिकवे थे वो हमने दूर किए और कुछ बातें उन्होंने मेरे सामने रखी, कुछ बातें मैंने उनके सामने रखी, और हमने ये तय किया कि आगे चलकर जब भी हमारे बीच में कोई अनबन होगी किसी भी बात को लेकर, तो हम मीडिया के सामने नहीं जाकर आपस में बात करेंगे और उस प्रॉब्लम को या कंफ्यूजन को या जो भी वो चीज़ है उसे हम सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे एक दूसरे पर कीचड़ उछाले बगैर। आदिल खान दुरानी का क्या होगा अभी, क्योंकि वो वीडियोस पूरी दिखाने वाली है राखी आपको, तो वो जान के क्या आप क्या करने, क्योंकि राखी ने बोला कि उनके साथ 4 घंटे तक वो सेक्स करते थे, तो घोड़ा पीकर मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू किया, तो क्या वो आपसे बातचीत शेयर की उन्होंने राखी जी ने? उन्होंने कहा कि वो मुझे कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाना चाह रही हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ उनके घर। तो क्या आप जस्टिस दिलाएगी अभी राखी के लिए भी अगर वो सच निकला तो? देखिए, मैंने राखी से यही कहा कि उनका जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके हस्बैंड के साथ, जो लीगल बैटल वो लड़ रही हैं, जो कानूनी लड़ाई वो लड़ रही हैं, उसमें किसी का दखलंदाजी करना गलत होगा, अनुचित होगा। तो ओके, तो क्या कहना चाहोगे उसको? यही कि मियां बीवी के बीच में जो कानूनी लड़ाई चल रही है उसमें किसी का भी दखलंदाजी करना अनुचित होगा, और मैं चाह रही हूँ कि राखी और मेरे बीच में जो रिश्ता पहले हुआ करता था बहन का, वो रिश्ता ताउम्र रहे। तो आप पूरी तरह से सपोर्ट अप करेगी, क्योंकि वो आपको वीडियोस दिखाने वाली है, तो आप आदिल मतलब वो देखकर आप सपोर्ट करने वाली है आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि राखी और मैं पहले बहने थे और फिर हमारे रिश्ते में दरार आई, और आज मैंने मीडिया के सामने ये कहा कि मैं कुरान शरीफ को मानते हुए ये बात कहती हूँ कि ता उम्र मैं उसे बहन मानना चाहूँगी। अब अगर वो मेरे खिलाफ जाती है या किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहती है मेरे लिए, तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलूँ। और राखी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलें। सीक्रेट मीटिंग हुई आप लोगों की, सीक्रेट मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग में क्या राखी ने आपको क्या बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा उन्होंने वीडियो, क्या सीक्रेट मीटिंग में क्या बात हुई? उन्होंने अपना रोई राखी, इमोशनल हुई? जी जी जी, उन्होंने हाले दिल बयां किया और कहा कि एक बहन होने के नाते मैं इस समय उन्हें अकेला ना छोड़ूं, और मैंने उनसे यही कहा कि मैंने उन्हें पहले भी बहन माना था, आज भी मानती हूँ और आगे चलकर भी मानूंगी। थैंक यू सो मच।